हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज एक ऐसी रेसिपी बनाते हैं जिसे एक दिन में बनाकर साल भर तक के लिए हम स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी सब्जी के लिए कुछ अवेलेबल ना हो घर में, तब हम इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है और महाराष्ट्र के साथ साथ अलग अलग प्रांतों में भी इसे बनाया जाता है। मसालों का थोड़ा सा वेरिएशंस होता है। तो आज हम महाराष्ट्र स्टाइल ये जो उड़द दाली चे सांडगे हैं इसे बनाएंगे। उड़द दाल की इन बड़ियों को अदौरी बड़ी भी कहा जाता है। आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आपको इसे नज़दीक से भी दिखाती हूँ। इसका जो होलिंग स्ट्रक्चर है, मतलब अंदर से एकदम खोखली, मतलब होल सा होता है इसके अंदर, और बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनती है, बिल्कुल हल्की होती है। तो इसे इस तरह से कैसे बनाया जाता है इसकी एक खास ट्रिक होती है जो मैंने आपको वीडियो में बताई है। तो उड़द दाल की बढ़िया बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें यहाँ पर चाहिए उड़द दाल। तो लगभग मैंने 1 किलो उड़द दाल ली है जिसे 4-5 घंटों के लिए भिगाकर रखा था। इसे मैंने अच्छी तरह से पहले भी 2-3 पानी में वॉश कर लिया था और भीगने के बाद भी हमें इसे 2-3 पानी में अच्छी तरह से वॉश करना है। उड़द दाल में थोड़ा सा पाउडर टाइप कुछ होता है, तो अगर हम इसे अच्छी तरह से वॉश नहीं करते हैं तो बढ़िया तैयार होने के बाद में उसका जो कलर है हल्का सा डार्क बनता है। तो इसलिए हमें इन वड़ियों को अच्छी तरह से वॉश करना है। और अब हम इसे एक छलनी के अंदर निकाल लेंगे। वैसे कुछ लोग इस दाल को रात भर भी भिगोकर रखते हैं, लेकिन उससे इन जो वड़ियाँ तैयार होती हैं उसमें थोड़ी सी स्मेल सी आने लगती है, इसलिए हमें इसे 4-5 घंटों तक ही भिगोकर रखना है। और बस अब हम इसे मिक्सी में हल्का सा दरदरा पीसेंगे। चलिए, मैंने यहाँ पर लिया है फूड प्रोसेसर। मेरे पास फूड प्रोसेसर है तो मैं इसमें ही इस दाल को पीसूंगी। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अब फूड प्रोसेसर में इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि हमें इसे इस दाल को ग्राइंड करने के बाद एकदम अच्छी तरह से फेंटना पड़ता है। लेकिन अगर फूड प्रोसेसर में इसे इस तरह से पीसा जाए तो दाल को ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसका जो ऊपर का लीड है आप देख सकते हैं, इसमें से हवा जाने के लिए थोड़ी जगह होती है। उसके कारण ये जो पीसी हुई दाल है इसमें हवा भर जाती है, तो ये जो मिश्रण है हल्का सा, मतलब फ्लफी सा हो जाता है। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। ध्यान रहे ये जो बैटर हम तैयार कर रहे हैं ये बिल्कुल भी पतला ना हो। तो इसे मिक्सी में घूमने के लिए थोड़ा सा पानी की भी ज़रूरत होगी, इसलिए हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। तो चलिए, जब तक के हम दाल को पीस लेते हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन पर भी आपको क्लिक करना है ताकि जो भी रेसिपीज़ मैं अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। और हाँ, इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले आपको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो करना ही है, एक प्यारा सा कमेंट भी करना है, क्योंकि दोस्तों मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और उससे मोटिवेट होकर मैं नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। सो देखिए, दाल हमने हल्की सी दरदरी पीस लिए हैं और इसे निकाल लेते हैं। इसका गाढ़ापन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसे कितना गाढ़ा पीसा है। अगर आप इन बड़ियों को एकदम छोटी छोटी साइज़ में बनाना चाहते हैं तो ये जो दाल है इसे हमें बिल्कुल फाइन पीसना है, जैसे कि हम उड़द दाल के दही बड़े बनाते हैं उसके लिए पीसा जाता है, ऐसा ही हमें इस दाल को पीसना है। तो चलिए, इसी तरह से थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हल्का दरदरा सा हम पूरी दाल को पीस लेंगे। वैसे इन वड़ियों को बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है, एक दिन की मेहनत लगती है और पूरे साल भर तक के लिए हम इन्हें बनाकर यूज कर सकते हैं। सो देखिए, पूरी दाल इस तरह से मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर ली है। अब हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि 2 बड़े चम्मच मैंने ऐड की है लाल मिर्ची की पाउडर। देन हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 बड़ी चम्मच भुना हुआ जीरा की पाउडर। देन इसमें जाएगा 2 बड़ा चम्मच नमक। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और भी कुछ मसाले ऐड होने के बाद ये जो बढ़िया है पंजाबी स्टाइल हो जाएगी, लेकिन हम इसमें कोई दूसरे मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं, सिंपली महाराष्ट्र के स्टाइल इसे बना रहे हैं। तो अब सभी जो मसाले हैं इसे अच्छे से मिक्सअप कर देते हैं। और अब यहाँ पर आपको आपके हाथों को मेहनत देनी पड़ेगी। अब क्योंकि मैंने इसमें फूड प्रोसेसर में पीसा है तो मुझे ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बैटर देख सकते हैं कितना फ्लफी सा बन गया है, अंदर हवा भर गई है,
लेकिन अगर आप सिंपली मिक्सी में इसे पीसते हैं तो 10-15 मिनट के लिए आपको इसे अच्छी तरह से फेंटना पड़ेगा, तभी आपकी जो बड़िया है अंदर से खोखली बनेगी। और बिना फेंटे अगर हम इन बड़ियों को बनाते हैं तो वो हार्ड बन जाती हैं, इसलिए इसे फेंटना बहुत ज़रूरी है। अब डेमो के लिए एक छोटे से प्लास्टिक पेपर पर मैं आपको यहाँ पर बढ़िया बनाकर दिखाऊंगी और बाकी की मैं ऊपर धूप में छत पर बनाने वाली हूँ। तो पानी का हाथ लेते हुए हमें इस तरह से इन बड़ियों को इस प्लास्टिक पेपर पर उतारना है। महाराष्ट्र पंजाब में इसे इसी तरह से बड़े बड़े साइज़ में बनाया जाता है। आप चाहें तो इसे राजस्थानी स्टाइल में बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसी तरह से, बस इसे बनाना बहुत आसान है। अब बाकी की जो बची हुई है मैं धूप में बना लूँगी और इन्हें हमें 3 से 4 दिनों तक अच्छी तरह से धूप में सुखाना है, ताकि साल भर तक के लिए अगर हम इसे स्टोर करके रखते हैं तो इसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगता है। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर बारीक बारीक भी बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए एकदम छोटी छोटी साइज में इस तरह से इसे बनाना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, अगर हम इसे किसी कोन में भरकर बनाएं तो शायद जल्दी भी बन जाए। और आजकल इन छोटी छोटी बड़ियों को बनाने के लिए सांचे भी अवेलेबल मार्केट में हो रहे हैं, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप इन बड़ियों को छोटे बड़े साइज में बना लीजिए। लेकिन इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए और आपके जो अनुभव हैं, कुछ सुझाव हो या कुछ सवाल हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो 2-3 दिनों तक धूप में सूखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका टेक्सचर और कलर बहुत ही बढ़िया आया है। अंदर से हल्की सी खोखली बनी है, मतलब ये जो होल आप देख रहे हैं इसी की वजह से ये जो बढ़िया है बहुत ही क्रिस्पी बनती है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनती है। तो आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो एक आपको मैं यहाँ पर तोड़कर भी दिखाऊंगी। बस एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बैटर को अच्छी तरह से फेंटना है। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।